और अब बात राहुल गांधी की, जो आज वायनाड गए, जीत के बाद पहली बार समर्थकों को धन्यवाद कर रहे थे। आज धन्यवाद के दौरान राहुल ने अपने धर्म संकट का जिक्र कर दिया। धर्म संकट इस बात को लेकर कि कौन सी सीट वो छोड़ें, बाकायदा मंच से उन्होंने इस बारे में बताया भी। तो सवाल है कि राहुल वायनाड रखेंगे या रायबरेली। चुनाव में जीत के बाद समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे हैं। यहां समर्थकों के बीच उन्होंने अपने धर्म संकट का जिक्र कर दिया, जिसको लेकर देश भर में चर्चा होने लगी है। नाउ आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज, विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रायबरेली। आई विल कमिट टू यू is that both Wayanad and Rae Bareli will be happy with my decision. असल में राहुल गांधी इस बार दो सीटों से लड़े और दोनों सीट से जीत गए। अब नियम के हिसाब से उन्हें एक सीट खाली करनी है। धर्म संकट इस बात का है कि कौन सी सीट खाली करें। वो वायनाड जिसने 2019 के मुश्किल वक्त में साथ दिया, या फिर वो राय बरेली जिससे उनके परिवार का सालों पुराना भावनात्मक रिश्ता है। Now, I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Rae Bareli? I will commit to you is that both Wayanad and Rae Bareli will be happy with my decision. कल राहुल राय बरेली गए थे, यहाँ के लोगों का धन्यवाद किया और अब चर्चा है कि यूपी में कांग्रेस के सियासी पुनर्जन्म के बाद राहुल गांधी यहाँ फोकस कर सकते हैं। अब देखना है कि राहुल क्या फैसला लेते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।